है। तो ऊपर का दबाने के बाद कॉन्टैक्ट्स, राइट का दबाने के बाद प्रोफाइल्स, नीचे का दबाने के बाद अलार्म और लेफ्ट का दबाने के बाद मैसेज। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं आप किस तरह से आपके कस्टम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं जिससे कि इसका वॉल्यूम, रिंगटोन वगैरह। तो सिर्फ आपको होम पे जब आप रहेंगे बैक दबाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक राइट साइड एरो है, इसको आपने एक बार दबाना है। तो पहला ऑप्शन आएगा आपको मैसेज रिंगटोन। मैसेज रिंगटोन अलग अलग टाइप के आएंगे, उसके बाद है कॉलर रिंगटोन, तो इसमें अलग अलग 10 रिंगटोन आपको मिलेंगे, आप ये पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं फोन आपके हाथ आने के बाद। उसके बाद आएगा एडजस्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको मैसेज और कॉलर के लिए अलग अलग सेटिंग है। उसके बाद आएगा मैसेज टोन, अगर मैसेज टोन ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप मैक्सिमम रख सकते हैं। कॉल वॉल्यूम भी आप यहां पे सेट कर सकते हैं। जिनको सुनने में थोड़ी दिक्कत है उन्होंने कॉल वॉल्यूम का ये सेटअप मैक्सिमम पे रखना है जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई दे। उसके बाद है अलार्म रिंगटोन, पावर रिंगटोन जो कि ऑन ऑफ के टाइम आपको फोन अगर स्विच ऑफ हो जाए तो भी ये बजेगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि बैटरी ड्रेन हो चुकी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर रिंगटोन है। की टोन भी आप सेट कर सकते हैं, साइलेंट रिंगटोन 1। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फीचर्स। अब जाएंगे लेफ्ट साइड, डायरेक्टली आप मैसेज कुछ टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, जो पुराने फोन्स थे उस जैसा ही यहाँ पे कीपैड वगैरह है, ये मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। नीचे का बटन दबाने के बाद आपको डायरेक्ट अलार्म का सेक्शन है, तो ऊपर का दबाने के बाद कॉन्टैक्ट्स, राइट का दबाने के बाद प्रोफाइल्स, नीचे का दबाने के बाद अलार्म और लेफ्ट का दबाने के बाद मैसेज। तो दोस्तों ये बहुत ही हैंडी लगा मुझे, अब इसका ऑपरेशन देख लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक दूसरा फोन है जिससे हम डायरेक्टली इस पे डायल करने वाले हैं, तो मैं इसमें रिडायल करूंगा डायरेक्टली। अब मैंने ग्रीन बटन दबा दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर फोन चालू हो चुका है बाय डिफॉल्ट। अगर ये आप उठाएंगे तो आपका हेडसेट वाला सेक्शन चालू हो जाएगा और जैसे आप इसको रख देंगे तो कॉल एंड हो जाएगा। तो दोनों भी ऑप्शंस आपके पास है, अगर आप इसको डायरेक्टली पिकअप करते हैं तो फोन, इनकमिंग फोन उठाया जाएगा, अगर आप ग्रीन बटन दबाते हैं तो ऑलरेडी ये स्पीकर फोन पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो जिनको ग्रीन बटन सही लगता है उनको ग्रीन बटन, जिनको फोन पिकअप करना है वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको फोन नहीं ही उठाना है और कॉलर ट्यून रिंगटोन बंद करना है तो आप डायरेक्टली रेड बटन यहाँ पे दबा सकते हैं। प्लीज इससे लॉन्ग प्रेस मत कीजिए जिससे कि फोन ऑफ हो जाए, तो ग्रीन रेड बटन ये रिकमेंडेड नहीं है, बजने देना है आपने फोन, बहुत बार ऐसे ही गलती हो जाती है, तो रेड बटन डायरेक्टली प्रेस नहीं करना है। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, डायल करने का जो फीचर है वो हम अभी यहाँ पे देख लेंगे।
तो डायल करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ रेड बटन पहले दबाना है। देखिए डिजिट्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, जो भी नंबर दबाया है वो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। और उसके बाद जो पोस्ट डायलिंग मैंने आपको बोला था 5 सेकंड वाला, अभी कॉलिंग हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, कॉल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप बैक या डिस्कनेक्ट कोई भी बटन यहाँ पे दबा सकते हैं जिससे कि ये बंद हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा, आसान और सबसे बढ़िया फ़ोन है यूज़ करने के लिए। इसका मॉडर्न डिज़ाइन है। इसका अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और थोड़े से सेटिंग्स हमने देख लिए हैं। मेमोरी फंक्शन कैसे काम करता है ये हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। SMS और RD कैसे काम करता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, सोनेरी विश्व का एक स्पेशल एपिसोड आपने देखा है बीटेल F1K के बारे में, और इसके बारे में और भी जानकारी हम ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। और एक स्पेशल परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर ये फ़ोन आपको रियली पसंद आ गया हो तो प्लीज़ आप इसे परचेस ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सबसे अभी विदा लूँगा।